हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सेवा दल की राज्य कार्यकारिणी की बैठक धर्मशाला में आयोजित की गई, जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव व जम्मू कश्मीर के प्रभारी सुधीर शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की व झंडा फहराकर सेवा दल का एक दिवसीय प्रदेश सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विशेष तौर पर अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के महासचिव व हिमाचल कांग्रेस सेवा दल के प्रभारी विलास रावत मौजूद रहे। पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने कहा कि सेवा दल कांग्रेस की सबसे ज्यादा जमीनी स्तर पर कार्य करने वाली इकाई है। उन्होंने कहा कि इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया है कि इस तरह के सम्मेलन प्रदेश स्तर पर करके सेवा दल को मजबूत किया जाएगा। शर्मा ने कहा कि इस तरह के सम्मेलन प्रदेश के बाद बूथ स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जब से राहुल गांधी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभाली है, तभी से उनका ये प्रयास रहा है कि इसमें व्यापक बदलाव करके कांग्रेस की इस इकाई को ग्रास रूट पर मजबूत किया जाए। देखिये, प्रदेश का सेवा दल का एक दिवसीय शिविर जो है आज धर्मशाला में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कि प्रदेश के अध्यक्ष अनुराग शर्मा जी और जो प्रभारी हैं रावत जी और सभी प्रदेश की कार्यकारिणी के सदस्य और हमारे धर्मशाला सेवा दल के सभी सदस्यगण उसमें हिस्सा ले रहे हैं। सेवा दल जो है ये कांग्रेस की एक ऐसी इकाई है जो कि सबसे ज्यादा डिसिप्लिन और ग्रास रूट पर काम करने वाली इकाई है। इसीलिए ये निर्णय लिया गया है कि इस तरह के शिविर जो हैं वो पूरे प्रदेश में आयोजित करके बूथ स्तर तक जो है सेवा दल को मजबूत किया जाए। तो कई बार इसमें ये मांग रही है कि सेवा दल जो है उसको सरकार में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि पहले अगर कुछ कमियां रही हैं तो अब जब से राहुल गांधी जी अध्यक्ष बने हैं उन्होंने सेवा दल के अंदर कई बदलाव किए हैं और उसके साथ साथ एक युवा सेवा दल की जो ब्रिगेड है उसका भी गठन किया है। तो मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से वो चेंजेस ला रहे हैं उससे आने वाले समय में सेवा दल जो है इसकी प्रमुख भागीदारी न केवल संगठन में बल्कि जो आने वाली सरकारें होंगी उनमें भी रहेगी। हिमाचल कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष अनुराग शर्मा ने कहा कि नए स्वरूप सेवा दल की प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें सेवा दल को बूथ स्तर तक मजबूत करने बारे चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि आज देश के भीतर जो कट्टरता और अराजकता का माहौल पैदा हुआ है उससे निपटने व भाईचारे को फिर से कामयाब करने के लिए सेवा दल अहम भूमिका निभाएगा और इसी पर चर्चा की गई और कार्यकर्ताओं में जोश भरा गया। उन्होंने कहा कि 2019 के चुनावों को लेकर सेवा दल की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी और सेवा दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो देश के लोगों को स्वप्न युग दिखाया था उससे कैसे लड़ा जाए इस बारे में रणनीति तैयार की गई। आज पूरे प्रदेश की हमारी नए स्वरूप सेवा दल की पहली बैठक कार्यकारिणी की धर्मशाला में रखी गई है। इसमें हम दो तीन बिंदुओं पर बड़ा गहन विचार आज हम करेंगे। एक, हमारी जो मेंबरशिप ड्राइव है उसकी शुरुआत आज हम यहाँ करने जा रहे हैं। दूसरा, सेवा दल को बूथ स्तर तक मजबूत करने की जो एक स्ट्रेटजी हमने रणनीति बनाई है उसका हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श करेंगे। और तीसरी बात यह कि जो एक कट्टरता का और अराजकता का माहौल पूरे देश के अंदर बना हुआ है उसकी लड़ाई लड़ने के लिए, एक भाईचारे की सोच दोबारा से स्थापित करने के लिए सेवा दल की एक अहम भूमिका के ऊपर चर्चा होने जा रही है। तो आप लोकसभा चुनावों को लेकर के सेवा दल की भूमिका को कैसे देखते हैं? क्या इस बार योगदान सेवा दल का रहने वाला है? सेवा दल का एक अहम योगदान 2019 के लिए आदरणीय राहुल जी जो हमारे अध्यक्ष हैं उनके द्वारा एक रणनीति बनाई गई है। उस रणनीति के तहत आज हम पूरे प्रदेश की कार्यकारिणी इस पर चर्चा करेगी और 2019 की चारों सीटों पर हमारा जो बूथ तक का जो कार्यक्रम है उसको लेकर और जितना जो भी हमारा कांग्रेस की विचारधारा रही है और पूरे प्रदेश में पूर्व की सरकार ने जो कार्य किए हैं उन मुद्दों को लेकर और जो नेशनल लेवल पे जो मोदी जी ने जो एक स्वप्न युग दिखाया है इस देश को उससे कैसे लड़ा जाए ये हम आज चर्चा करेंगे। पूर्व में कुछ समय ऐसा रहा 20-25 वर्षों में हम लोग कहीं ना कहीं एक हाशिए पे थे, पर अभी राहुल जी ने जो हमारी नेशनल की मीटिंग 10-11 जून को हुई दिल्ली के अंदर एक स्वायत्ता एक हमारे से बदल को दी कि आप जो है पूर्ण रूप से जिस तरह से 1923 से लेकर आजादी के साथ चलकर आजादी के बाद जो हमारे संगठन ने कांग्रेस विचारधारा के लिए काम किया है उसी स्वरूप को दोबारा से पुनर्जीवित किया जा रहा है और अब
आने वाला जो समय है एक मैं कहूंगा एक स्वर्णिम युग सेवा दल के लिए आदरणीय राहुल जी की दिशा पे चले।